क्योंकि अच्छे रोल पता नहीं क्यों नहीं लिखते हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए. लिखते हैं तो अच्छे रोल स्टार्स के लिए लिखते हैं, और शायद बाकी अब मैं क्या बोलूँ किस तरह की फिल्में बन रही हैं. खैर, मैंने काश आप हमारे होते के बाद 14 फिल्मों को मना किया. तब तक मैंने गिना, 14 के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत डिप्रेशन होता था कि मतलब इतना ख़राब काम और मैं क्यों करूँ, क्योंकि ना मुझे पैसों की ज़रूरत है, ना मुझे उस तरह की शोहरत की ज़रूरत है. मेरे लिए इज़्ज़त और अच्छा काम बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं कपड़े उतार के नाचूं मेरी ज़िंदगी से उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इजाफा हो जाएगा या उन्नति हो जाएगी मेरी. तो सिलेक्टिव काम कर रही हूँ, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ बाप का प्यार है, साथ है, कि कुछ बहुत ही अच्छी फिल्में आ रही हैं. उसमें मेरा बहुत अच्छा रोल है, बहुत ही अच्छा रोल है, और आगे भी जो मैंने फिल्में अभी साइन की हैं, दे आर वेरी वेरी गुड फिल्म. पूरी फिल्म ऑफकोर्स, मगर मेरा रोल बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है. एक चुनौती है इस कैरेक्टर में, और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है. मैं कर रही हूँ तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा, नहीं तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है. मैं अपने रंगमंच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छे रोल कर रही हूँ वहाँ पे. अगर मैं फिल्म करूँगी तो तभी करूँगी अगर अच्छा रोल आएगा, नहीं तो. नताशा मेरा कैरेक्टर का नाम है. नताशा एक वकील है, और एक बहुत ही ज़िम्मेदार, बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग, और जिसके लिए वैल्यूज़, मॉरल्स, ट्रेडिशनल मॉरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, दोस्ती बहुत मायने रखती है, और जो एक हमारी भारतीय संस्कृति में जो एक सबसे नाजुक रिश्ता है, यानी कि शादी, वो बहुत मायने रखता है. और इन सब चीज़ों के उसके मन में, जहन में बहुत इज्जत है. जी बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म का हिस्सा है. मेरी सबसे प्यारी सहेली रिया यानी ऋतु की शादी है राहुल जी से, सुशांत जी से, और मैं ऑफ कोर्स मेरी सबसे प्यारी सहेली है, तो मैं उन्हें प्यार देने आई हूँ, विशेज़ देने आई हूँ. और सुधांशु भी आए हैं, सुधांशु भी दोस्त हैं. बहुत अच्छा लगा. मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, क्योंकि दत्त साहब मेरे परिवार के बड़े हैं, मेरे लिए मैं कहूँगी मेरे पिता के भी पिता के समान हैं. इतनी ज़्यादा हमारे परिवार में उनके लिए इज्जत है, हमारे दिल में उनके लिए इज्जत है. रमेश जी, एन चंद्रा जी, मुकुल साहब, आई एम वेरी 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 हैप्पी, वेरी ऑनर्ड कि आज इन सब ने हमारी फिल्म को अपना आशीर्वाद दिया. देखिए, उन्स का मतलब मोहब्बत है, और मैंने जैसे पहले कहा, मैं नताशा के कैरेक्टर से उसकी बात लूँगी कि इट इज़ मोहब्बत सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं, एक मर्द औरत के बीच में नहीं, दोस्तों के बीच में, दो सहेलियों के बीच में, यू नो. सो एक दैट इज़ व्हाट उन्स इज़ ऑल अबाउट. इट्स अबाउट इमोशंस अबाउट इन बिटवीन रिलेशनशिप्स.